अपने बयान रखा, पहरेदार अंदर गया और श्री कृष्ण को बताया कि महाराज एक कुंदनपुर से ब्राह्मण आया हुआ है कि के काम है भाई, के महाराज और गणाहत काम मेरे तो पता नहीं, न्यू कहता रुक्मणी की चिट्ठी ले रहा हूं, न्यू बोला तावरा लिया उन्हें बुला गए, तावरा पे तबकत लेकर जाएगा। पहरेदार आया के ए विपर आप मेरे साथ चलिए, ब्राह्मण को साथ ले गया और जाके वह चिट्ठी थमा दी कि भाई कृष्ण जी या रुक्मण ने चिट्ठी दी है। खोल के देखा सारा हाल जो मन पहले बता था लिख रखा कि हमारे आपकी तीन जन्म की यारी रही है और चंदेरी मत सगादी में मेरे भाई रुक्मी ने जब नहीं आना अतः फिर तमरना है बाकी रह गया। जब वह चिट्ठी पढ़ी न्यो बजा रहा पंडित जी भाई कसूता काम करया सोंग था सोंग सोंग और चाटी ही लाग रही थी क्या की न्यू बोला सोना मिलना था क्या थे ए रे सो सूरज जब सतीवा रुक्मणी सपने में दिखे दास सारी सारी रात रे सफल मा सफल हरी थी मेरी दैयत तंबीरार छड़ी थी वो प्रसंग दिया जब मैं विष्णु था और वह लक्ष्मी थी और वो मैं और विष्णु लक्ष्मी बैठे और भृगु जी आ जाते हैं। विष्णु ने भृगु से पूछा कि भई ए ब्रह्मचारी भृगु कहाँ घूम रहे हो। ब्रह्मचारी कहा न्यू बोला भाई के घूम रहा हूँ, अरे को लोग ये ठा ले गया। ने बोला ए तरियागंजे फिर तू ब्रह्मचारी क्या कहा है। इतनी कही विष्णु ने और भृगु ने छाती मारी लात। ने बोला अच्छा जिस तरिया मैं घूमू एक दिन तू भी नहीं घूमूंगा। वो प्रसंग दिया कि वही देखे उस दिन भी मेरी गेल थी या मेरी दैयत मेरा अरे उस दिन भी या मेरे उस दिन भी या मेरे ओए पास खड़ी थी दरगुन मारी मेरी छाती मला छाया लक्ष्मी प्यारी मैं रघुबर छाया जनक तुलारी ये किसके आ गए किसके आ गए सारी तीन जन्म की मारी लोकमा से बात रे जनक दुलारी थी रघुवर में मरी थी बाल्मीक के घर में मरी थी बाल्मीक
बजन में दिया रे इने ओए कुंजरपुर में खूब निभाया मेरा दुर्जन का सा आनंद ने हरी दे काट व्यक्त के हन ने रमांगे राम पै गुरु ओए लक्ष्मी चंद ने शर्प धर दिए अपने दोनों आ